नमस्कार दोस्तों, लखन पटेल। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहिए, खासतौर पर युवाओं के लिए। अभी दीपावली की आपको शुभकामनाएं देता हूँ, तहे दिल से सबको शुभकामनाएं, मेरे हृदय से आप सबको शुभकामनाएं। दीपावली आपके मन को एक ऐसा आत्मीयता, एक ऐसी परम शांति का अनुभव कराए। निश्चित तौर पर आप उस ऊंचाई को, उस लक्ष्य को प्राप्त करें जो आपने निर्धारित किया है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं एक बात और कहूँगा आपसे कि मेरा आपसे एक निवेदन है, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं, तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि हम भारत को उस विकास की सीढ़ी तक लाएँ जिसकी आवश्यकता है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्वदेशी का चलन। जहाँ तक कि हम मार्केटों में या बाज़ारों में देखते हैं, पूरे बाज़ार कहीं ना कहीं विदेशी माल से भरे पड़े। आप शायद इतना सब लोग समझते होंगे कि भाई विदेशी माल खरीदने से क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा स्वदेशी पैसा जो है बाहर जाएगा, बाहर पलायन करेगा। विशेष तौर पर युवाओं की जिम्मेदारी है कि इसके लिए वो जागृत करें, क्योंकि कभी कभार अनजाने में हमको ये पता भी नहीं होता है कि वो वस्तु कहाँ की बनी हुई है, कहाँ निर्मित है, जिसका विक्रय भारत में किया जा रहा है। लेकिन यह है कि युवा अगर इस चीज़ को, इस बात को समाज तक पहुँचाएँ और ये बताएं कि हम अपनी स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन दें, मिट्टी के बने हुए दिए जो हमारे उनको प्रोत्साहित करें, और इसके अलावा जो है आतिशबाजी आदि का प्रयोग ना करें, क्योंकि प्रदूषण की भी बहुत समस्याएँ हैं, पूरा विश्व कहीं ना कहीं इससे गुजर रहा है। और आप सबसे निवेदन है दीपावली में कुछ खुशियाँ भी लोगों तक बांटें, लोगों तक पहुँचाएँ। और इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी भी आपको सुनाता हूँ, शायद आपके प्रति लोगों की भावनाएँ क्या रहती हैं और आपके लोगों के प्रति क्या भावनाएँ होनी चाहिए, आपके लोग आपके लिए कितना समर्पण देते हैं। तो मैं आपको मार्गदर्शित भी करूँगा, युवाओं को भी मार्गदर्शित करूँगा। एक कहानी सुनाता हूँ, राजा विक्रमादित्य। उज्जैनी के एक राजा थे विक्रमादित्य। एक बार क्या हुआ, उन्होंने पुष्प नक्षत्र में एक मकान का निर्माण करवाया। अभी दीपावली के आसपास आपको पुष्प नक्षत्र आएगा, जिसमें ज़्यादातर लोग सोना खरीदना या गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं। तो उन्होंने एक मकान का निर्माण करवाया, जिसमें ये भविष्यवाणी थी कि इसमें माता लक्ष्मी का 3 दिन तक प्रवास रहेगा। जब मकान निर्मित हुआ, मकान जब बनकर तैयार हुआ, तो वहां से एक ब्राह्मण देवता निकले। ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे राजन, ये मकान मुझे दे दे। चूंकि विक्रमादित्य को पता था कि यहां पर माता लक्ष्मी 3 दिन के लिए आने वाली हैं, उनका प्रवास होने वाला है, तो उन्होंने बहुत निवेदन किया ब्राह्मण देवता से कि आप ऐसा करिए, कुछ और वस्तु ले लीजिए, धन ले लीजिए। लेकिन ब्राह्मण देवता नहीं माने, अंततः विक्रमादित्य को उनको वो महल देना पड़ा। अब माता लक्ष्मी का आना, आप लोग पूजन करते होंगे दीपावली में, इनका आना लगभग रात में ही होता है, जो 10 बजे या 11 बजे या 12 बजे तक हम लोग रात में पूजन करते हैं। इसका एक रीजन भी हम ढूंढ सकते हैं, इसका एक कारण ढूंढ सकते हैं। वो कारण ये है कि इनका वाहन जो है वो उल्लू है, शायद उसके हेडलाइट जो है वो दिन में ओपन नहीं होते, ऐसा हो। पर ये विषय केवल उपहास का, परिभाष का था जो मैंने बताया, ऐसी कोई बात नहीं, वो मातृ शक्ति है, मातृत्व शक्ति है। पर इसलिए क्या है ना कि हम ज़्यादातर ये मान सकते हैं कि रात में ही माँ का आगमन होता है, आवागमन इनका होता है। तो मैंने आपसे क्या कहानी कही कि यहाँ पर जब माँ का आना हुआ, तो ब्राह्मण देवता एकदम रात में भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि शायद कोई भूत या चुड़ैल है, एकदम उनके मन में भय 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 आ गया। और कहते हैं इन्होंने रात में तो काट लिया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश ते लोक उजागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। एक रात्रि इनकी कटी, शायद इनको ऐसा लगा कि यार मे भी शायद ऐसा हो, या इनको शायद ऐसा लगा कि मैं, मुझे नए घर में ऐसा महसूस हुआ, बाकी ऐसा कुछ नहीं। एक रात्रि और इन्होंने वहां पर सोचा कि यार एक रात गुजर चुकी है, एक रात के बाद हो सकता है यहाँ मुझे ऐसा महसूस हुआ हो। एक रात और वहां पर वो सोए, लेकिन माँ का आना फिर रात में, जो आवाज आई चूड़ियों की, उनका आना लगा। फिर लगा ब्राह्मण देवता को कोई भूत या चुड़ैल है, और इस रात को तो इन्होंने अपना पूरा सामान बांधा और निकल गए। जब ये निकल गए तो फिर जब ये निकल गए और ये
पहुँचे तो ये पहुँचे तीसरे दिन, जो आखिरी दिन था, जिस दिन माता का आखिरी दिन आने का था, राज दरबार में पहुँचे और चंद्रगुप्त मतलब विक्रमादित्य से मिले। जब ये विक्रमादित्य से मिले तो विक्रमादित्य को उन्होंने पूरी कहानी बताई। विक्रमादित्य समझ गए कि माँ का आना हो रहा है और ब्राह्मण देवता नहीं समझ पा रहे। तब उन्होंने उनको कुछ पैसा दिया और ये रात्रि में वहाँ सोने के लिए पहुँचे। लेकिन दिन भर के राजकाज के कार्य से ये थक चुके थे, इनको नींद आ रही थी। इन्होंने अपनी उंगली काटी और उसमें नमक लगाया ताकि उंगली रात भर चले और माँ के दर्शन हो जाए। माँ का जब आना हुआ तो ये बैठ गए, इन्होंने दंडवत प्रणाम किया कि माँ आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। माँ ने कहा, मैं भी तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ कि तुमने इतना प्रयास किया रात्रि में जागने के लिए, अब बताओ तुमको क्या चाहिए। विक्रमादित्य ने कहा, हे माँ, मेरा महल छोड़कर राज्य के प्रत्येक घर में आप धन की वर्षा कर दो। सुबह तक पूरा राज्य जो है धन से संपन्न हो चुका था। लेकिन ये विक्रमादित्य ने क्यों किया? अपनी प्रजा के लिए किया। क्यों उन्होंने उस उंगली को काटा? अपनी प्रजा के लिए किया। तो मेरा विद्यार्थियों से भी ये कहना है कि आप अगर पढ़ाई करते हैं, आप अगर कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, या मेरे भारतवासियों से आपसे ये कहना है कि आप अगर कुछ कर रहे हैं तो भारत के लिए ही कर रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, या स्वच्छता या सफाई अभियान जो भी कर रहे हैं, भारत के लिए ही कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अपने लोगों के लिए अगर थोड़ा सा हमको त्यागना पड़ता है, स्वयं की सुविधाएं त्यागनी पड़ती हैं, स्वयं से थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है, तो वो आवश्यक है। क्योंकि राष्ट्र बहुत बड़ा है और राष्ट्र सबका है, इसलिए उत्तरदायित्व भी सबका है, मेरा भी है, आपका भी है, और प्रत्येक विद्यार्थी का भी ये दायित्व तो है कि वो अपनी पढ़ाई को सही ढंग से संचालित करे और अपने माता पिता के द्वारा जो किया जा रहा है अथक परिश्रम को वास्तविक रूप से वो सफल बनाएं, वास्तविक रूप से उसको संचालित करें। दीपावली की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। आपको दीपावली का ये पर्व, पावन पर्व, सबको मंगलमय हो, सब प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।